नमस्कार साथियों, एमसीजी एकेडमी ग्वालियर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरपीएफ के ट्रेड टेस्ट चल रहे हैं और लगातार मैं आप लोगों के लिए एक्सपीरियंस वीडियो ला रहा हूं, लेकिन आप लोगों का अब इंतजार हो गया है ख़त्म। आज से सिर्फ इसी चैनल पर आरपीएफ ट्रेड टेस्ट एक्सपीरियंस वीडियो वाले चैनल पर ही आप लोगों को जो है आरपीएफ ट्रेड टेस्ट की वीडियो उपलब्ध होंगी, क्योंकि मैं आप सभी को बताना चाहूँगा जो कोई भी अपडेट होगा अब आप लोगों को आरपीएफ का यहीं पर अपडेट होगा, जो हमारा मेन चैनल है एमसीजी एकेडमी ग्वालियर, जिस पर एकेडमिक क्लासेस जो है शुरू हो चुकी हैं। जो कोई भी पढ़ने के इच्छुक हैं वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आरपीएफ का डेली अपडेटेड आप लोगों को इसी चैनल पर उपलब्ध होने वाला है। ओके, तो इन भाई का एक्सपीरियंस आप लोगों को सुनना है। ये इस चैनल पर ये छठवां वीडियो है, इसमें आप लोगों को देखना है। मैं आप लोगों को एक एक चीज़ क्लियर करूँगा, जिससे आप लोग ऊपर से देखते ही समझ जाओ आप लोगों को वीडियो कौन सा देखना है कौन सा नहीं। और आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, हर एक वीडियो देखना है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, तो आप लोग पता लग जाना चाहिए कि आप लोगों को क्या करना है क्या नहीं। तो जैसा कि इनका नाम दिया गया है राकेश जी, और ये क्वालिफाइड हो चुके हैं, तो इनके बारे में जानना है। वाटर कैरियर इनकी ट्रेड टेस्ट थी, और 12 अगस्त इनका जो है ट्रेड टेस्ट का डेट था, और इनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। आपके भी यदि कोई क्वेश्चन है तो आप लोग इनके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, ये इनका आंसर जरूर देंगे। साथ ही हम भी इनका आंसर देने की जो है प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों को इनका एक्सपीरियंस बहुत ही ध्यान से सुनना है। ओके, तो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, कि आगे से जो भी अपडेट होगा आप लोगों को इसी चैनल पर होगा। आज से इसका बिल्कुल निर्णय ले लिया गया है, क्योंकि हमारी एकेडमिक क्लासेस इससे प्रभावित हो रही थी, इसी कारण सभी लोगों को हमने एक ही जगह यहीं पर इकट्ठा कर दिया है। जब तक कि आपकी फुल ज्वाइनिंग नहीं हो जाती, हर एक अपडेट आप लोगों को यहीं पर उपलब्ध होगा। सो इनका एक्सपीरियंस लास्ट तक जरूर सुनिएगा। ट्रेड टेस्ट हो गया? हाँ, ट्रेड टेस्ट। सर अभी आप कहाँ हो? सर मैं अभी ट्रेन में हूँ, 5 मिनट में उतरने वाला हूँ। सर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे? सर अभी सर मैं आपको अभी कर दूंगा, पर मैं ट्रेन में हूँ तो आपको क्लियर आवाज नहीं आ पाएगी मेरी। सर आप बताइएगा, सर आज ही था आपका ट्रेड टेस्ट क्या? सर मेरा 12 तारीख को हुआ था, तो मैं गाँव जा रहा हूँ। अच्छा सर, सुर बात हो गया। हाँ सर, तो बताइए सर किस प्रकार से हुआ? सर आप तो बताइए, क्लियर आवाज आ रही है सर आपकी बिल्कुल। सर मेरे स्टार्टिंग में हम वहाँ पे 5:30 से 6 बजे अंदर किया, वहाँ से 6:30 बजे वहाँ से अंदर किया सर। हाँ, 6 बजे अंदर किया था, 5:30 का रिपोर्टिंग टाइम था। हाँ सर, 6 बजे अंदर कर दिया था हमको वहाँ से ग्राउंड के लिए। यस सर, ग्राउंड में अंदर करने का बाद सर फिर हमको वहाँ पे लाइन लगवाई गई सभी, जो 450 या 480 के लगभग बन थे पूरे टोटल। हाँ, 500 का था, 480 के लगभग पहुंचे थे वहाँ पे। हाँ, तो वहाँ पे पहुंचने के बाद सबको एक लाइन में बिठा दिया गया, मतलब लाइन लगा दी गई। हाँ, फिर वो पुलिस वाले आए आरपीएफ के, तो उनके पास एक लिस्ट थी। हाँ, लिस्ट में सबके नाम लिखे हुए थे, जिसका जिस नंबर पे नाम था ना। हाँ, उनको मतलब 56 56 मतलब 56 लड़के की एक बैच बनाई थी उनने। टोटल कितने बच्चे गए थे सर उस दिन? उस दिन 480 अबाउट थे, मतलब समथिंग 480 मानो, 500 की थी पर 480 आए थे। हाँ सर, तो उन्होंने 56 लड़कों की एक बेच बनाई थी, टोटल उसमें 4 या 5 लड़कियां भी थी 480 में। हाँ सर, तो 56 लड़कों की एक बेच बनाई थी, तो टोटल हमारी 8 बेच बनी थी उसमें। हाँ, जैसे कि स्टार्टिंग में जो जो पहले पहले नाम आए थे जिनके, हाँ, तो जिन मतलब हुआ मतलब पहले हो गया था 4 का, और 4 का बाद में हुआ, तो मतलब एक बेच में जो 56 लड़के थे उसमें से 14 को एक बेच बनाई थी, मतलब 56 में 4 एक बेच 56 की, उसमें 14 के 4 बेच बनाए थे। 14 लोगों के अलग 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 ग्रुप बना दिए। हाँ, अलग अलग ग्रुप बना दिए, क्योंकि वहाँ पे 14 ही वो भट्टी रखी हुई थी। हाँ सर, तो 14 की जो भट्टी रखी हुई थी ना, उसमें से एक बेच में से 4 बेच वो बने थे, तो एक फिर एक बेच को अंदर के मतलब वहाँ पे लाइन लगवा दी, उनके हाथ वाथ धुलवाए, आरपीएफ बोल देते, फिर उसको अंदर भेजते हैं सर, है ना। तो अंदर भेजने के बाद मतलब वहाँ पे जाने के बाद तुमको नर्वस नहीं होना, मतलब वो कुछ भी बोलते हैं। बहुत सारे मैंने वीडियो भी देखे, आपको ले रहा है या इनको ले रहा है या उनको ले रहा है, तो ये सब अफवाह है क्या? अच्छा सर, अपने हिसाब से अपना बेस्ट परफॉर्मेंस उसको ही लेंगे, वो ऐसा कुछ नहीं है कि तुमने अच्छा किया तुमको नहीं लेंगे, तुमको भी लेंगे। ऐसा सर, हाँ, जब हमारे मतलब हमसे पहले वालों को सबको रोटी मेकिंग की रोटी बनाना था कि, हाँ, फिर हमारे टाइम पे जब हमारा नंबर आया था ना, मैं 5वें बेच में था। हाँ सर, तो मैं 5वें बेच में हुआ था, तो उसके बाद मेरा नंबर आया था, तो उन्होंने हमको 2 ऑप्शन दिए थे। हाँ, या तो तुम पराठा बना सकते हो, पराठा में 3 त्रिकोण या 4 गोल पास। हाँ, और एक ही आमलेट बना सकते हो, तो मैंने अपना पराठा चूज किया। हाँ, तो मेरा पराठा अच्छा बना रहता हूँ उसमें। हाँ,
तो फिर हमारा मतलब फिर मेरे को और मेरे साथ 3 लोगों को, जैसा मतलब जो 14 पेस्ट हाँ उसमें से भी जो अच्छा बना था ना, मतलब हाँ टेस्ट करते हो खाके, जो हाँ IPS ऑफिसर रहते हैं DIG वहाँ पे हाँ बैठते हैं, हाँ वो फिर अपने अपने को देखते रहते, सबकी नजर रहती है कि बंदा क्या कर रहा है। सेटिंग में हाँ तुम जाके लगने जाना है, वहाँ पे देखना है कि अपना सामान कहाँ पे रखा है, लाइटर कहाँ पे रखा है, तेल कहाँ पे रखा है, आटा कहाँ पे रखा है, फिर उसका वहीं पे कपड़ा भी रखा रहता है, तो उससे अपने को साफ भी करना रहता है। सर ऐसे नहीं जाते थे लग जाओ अपने को बनाना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा नहीं। हाँ जाते सर थे वहां पे बैठो, देख यस सर लेता हूँ, तुम जाते मतलब बेच जाते हैं तुम्हारी, वहां पे खड़े रखते 2 मिनट, वो बताते क्या करना है, यस मैं तुम सर अपना सारा सामान देख लो, गैस रखा है, ये तवा रखा है, ये कपड़ा रखा है, यहाँ पे अपने को बेलना है, उस सारे को अपने को साफ करके, क्योंकि वहां पे अगली बेच भी जा चुकी है, इसलिए अपने को वो साफ करना पड़ता है। वो साफ करके जैसे वो बोलते हैं तुम्हारा टाइम स्टार्ट हो जाता है। हाँ, हाँ तो हमारा टाइम 5 मिनट का पराठा बनाने के लिए, हाँ तो हमारे मेरी बेच में मैंने पराठा बना दिया था, 2 लोग ने और पराठा बनाया था, 2 लोग ने आमलेट बनाया था, तो मतलब 3 लोग थे हम, 4 लोग, सर, 4 लोगों इसमें का ही चार बैच को बना था आगे सर आपका। 14 का बेच बना था, पर 4 हम आगे गए थे उसमें लेकर के सर के पास, हाँ हाँ वो चेक हाँ करने के बाद 4 को हमें वापस आगे भेजा था सर ने को चेक करने के लिए, है हाँ ना। तो हाँ सर ने हमारा चेक किया था, फिर उसमें से भी 4 में से फिर मैं ही क्वालिफाई हुआ था उसमें से, तो आप क्वालिफाइड हो आपकी जो सर। लिस्ट है। हाँ, मैं क्वालिफाइड हूँ, नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम राकेश सोंधिया, क्या सर? राकेश सोंधिया। राकेश जी। हाँ सर, अब बताते रहिए सर, आपका वीडियो जल्द से जल्द मैं लेकर के आने वाला हूँ सर। तो उसके बाद डॉक्यूमेंट में क्या है, वहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, हाँ तो आप वीडियो बना के उनको ये बता देना, क्योंकि बहुत वहाँ पे कम से कम जितने भी हम क्वालिफाई हुए ना, हाँ उसमें से मानो तुम 10% के पास ही टोटल डॉक्यूमेंट तो मेरे पास थे, तो मेरे हाँ को 18 तक जमा करना है, तो मैं एक बार और जाऊंगा वहाँ पे, आप ऐसे सर। बोलो तो वहाँ का वीडियो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मोबाइल अलाउ है पूरी जगह पे, क्योंकि मोबाइल अलाउ है वो देख पूरी लेते तरह? हैं। हाँ, मोबाइल अलाउ है पूरी जगह। तो सर आपने बनाया है सर वीडियो वहां का? वहाँ का वीडियो नहीं बनाया सर मैंने, मैं क्या करूंगा, वो तो आपका आ रहा, मैंने एक नोटिफिकेशन देखा, और हाँ मैंने बोला था मेरे को ये हो तो भाई उनको हेल्प हो जाएगी, तो हाँ वहाँ पे डॉक्यूमेंट भी कंपल्सरी सारे ले जाना है, क्योंकि 20 तारीख तक की जमा करना है, अगर नहीं रहे तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट अपने मैं बताता हूँ, आप कर देना वहाँ पे टेंथ हाँ सर की मार्कशीट और प्रमाण पत्र, हाँ जो 10th के बाद में देते हैं ना अपने डेट ऑफ बर्थ के लिए, हाँ वो और 10th की मार्कशीट हो जाएगी अपने, जिसके बाद 12th की मार्कशीट, हाँ सर अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो उसकी भी लगा सकते हो, पर वो स्कैन नहीं होगी, खाली लगा सकते हो तुम्हें ना, यस सर। जिसके बाद में आय प्रमाण पत्र और जाति और कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का होना चाहिए सर, सेंट्रल यस सर। का सर सर्टिफिकेट के उसका बाद सर में सिस्टम कैसा सर? इंग्लिश में रहता है वो कास्ट सर्टिफिकेट या हिंदी में? कुछ बच्चों का यही पूछना है सर। नहीं सर, वो इंग्लिश में रहता है यस सर। सेंट्रल का, क्योंकि उसमें अधिकतर भार हुए, क्योंकि भार नहीं होते मतलब कि वो देना जरूरी है कि मेरे को मेरा 18 या 19 तारीख को बोला, उन्होंने कहा देके जाना, तो मैं वापस जाऊंगा वहां पे, यस सर। जब मेरा पास भी नहीं था, तो ऐसा मतलब अगर नहीं है तो आपको बाहर ही कर देंगे, मतलब देना जरूरी है पत्र, हाँ सर नहीं दोगे तो आप फिर जनरल में काउंट होगे, जैसे अपना सर्टिफिकेट इसका है और हाँ उसका नहीं हो पाया, तो हाँ सर ये इतने डॉक्यूमेंट और 2 फोटो और इन सारी की फोटो कॉपी लेके जाना है वहां पे, क्योंकि वहां पे दूर पड़ता है, फोटो कॉपी बहुत दूर है, आधा घंटा टाइम लग जाता है, वहां पे फोटो कॉपी नहीं है सर, सभी का तो एक एक सब फोटो कॉपी चीजें सर, एक एक ले आना है, दो 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 करवा ले जाओ तो और अच्छी बात है, क्योंकि कभी दो भी तो एक हो जाए तो जरूरी रहती है, पर दो करवा ले जाओ कोई दिक्कत नहीं, वहां पे बहुत दूर है इसलिए जाना पड़ा, अपने पास रखी रहेगी वो एक ही मांगते हो पूरा। यस सर। क्या क्या ले आए? 10, 12 और सेंट्रल का जाति, दो फोटो, हाँ, तो फोटो और आय और मूल निवासी, आय और मूल निवासी। हाँ अगर तुमने ग्रेजुएशन किया हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, तो वो भी ले जाओ, हाँ सर वो भी मांगा था मतलब हमारे टाइम, मतलब हमसे कि अगर तुम्हें ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो हाँ भी ले सकते हो तुम, हाँ सर उसकी फोटो कॉपी और ग्रेजुएशन किया हो तो वो भी लगा सकते हो तुम, हाँ सर ये अनिवार्य इतने डॉक्यूमेंट बस, और ये सेंट्रल का होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट वाला नहीं चलेगा। अच्छा, सेंट्रल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके ओके सर। हाँ हाँ और सर थोड़ा अंदर के और बारे में बताइए सर, अंदर किस प्रकार का माहौल था सर? आप जब बना रहे थे किस प्रकार से, क्या सामान किस प्रकार का था सर? सर जैसे हम अंदर गए तो वहां पे अपने पीछे भी एक पुलिस वाला रहता है जो हाँ उनकी तरफ से, और सामने भी अपने ऑफिसर बैठे रहते हैं, मतलब 3 से 4 जो अपने को पूरा ध्यान रखते हैं ये बंदा क्या कर रहा है, मतलब जैसे अपन अंदर हुए और अपने 14 बेच मतलब 14 वहां पे लगे रहते हुए है ना, 14 वो लगे रहेंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे, 1 2 3 4 5 जितने नंबर पे आप आओगे, जितने नंबर पे आपका नंबर आया उससे आप खड़े होकर देंगे, फिर जैसे वो
वो वहाँ पे आपको मतलब पता नहीं कि ये बनाना है, तो वहाँ पे तुमको नर्वस नहीं होना है। वहाँ पे बहुत क्या है कि जो पहले से आटा बना के गया था वो गीला भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अपन नहीं बना के आए, वो पहले से बना रहेगा, हाँ तो सर। उसको तुम्हारे हिसाब से टाइम भी कर लेना है, मतलब जल्दबाजी नहीं करना है कि टाइम खूब मिलता है वहाँ, जल्दी में क्या करते हैं लोग टाइम हो रहा और उसको बिगाड़ देते हैं, अच्छा तो सर। उसको थोड़ा सा टाइट करके या टाइट है तो उसको थोड़ा सा गीला करके, इतना टाइम मिलता है अपने को, हाँ। इतने भी जल्दी नहीं करते हो क्या, सबको बन जाता है, तो बाद में चेक करते हो, तो अपने को यही ध्यान रखना है कि जितनी जल्दी हो जितने अच्छे से अच्छा करता है, नर्वस होते हैं बहुत सारे, ये करना है वो करना है मैं हाँ सर। क्या कर दूंगा, तो इसलिए वहां पे ये ध्यान रखना जरूरी है कि कैसे क्या करके, मतलब अपने को नर्वस नहीं होना, जितना अच्छा हो उतना अच्छा परफॉर्मेंस दो वहां। हाँ बहुत सर। सारे क्या मेरे बेच में, मैं 14 में से एक मतलब 500 लड़के गए थे, उसमें से मैं बताऊँ तुमको, हमारे टोटल वो बता रहे थे 70 लड़के पास हुए, मतलब जब हम एक बेच बन जाती है ना हमारी 56 लड़कों की, तो हाँ सर। वहां पे जैसे हमको फिर एक बिल्डिंग में ले जाया जाता है, तो हाँ सर। अभी तो उन बिल्डिंग में ले जाने के बाद, हमको फिर जैसे कि जो पुलिस रहती है ना वहां पे, सब रहते हैं ना हाँ सामान वामान, तो वो हमको मतलब ये देते रहते हैं अपने को कि तुमको ऐसे करना है, ऐसे चलाना नहीं है, मतलब अपने को पहले से इंस्ट्रक्शन पूरी देते हैं। एडवाइस करते रहते हैं। हाँ इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं सर। हाँ हाँ मतलब वो सर वहाँ पे रहते नहीं, वहाँ पे तो दूसरे रहते, पर ये अपन को गाइड करते रहते हैं कि ऐसा नहीं करना है तुमको, अपने अच्छे अच्छे करना है, क्योंकि हाँ उनका काम ये है कि पोस्ट बहुत ही कम है ये, और ऐसे वहाँ सर। पे निकालना जरूरी है, हाँ सर जी भी इसलिए सर। जितना भी तुम अच्छा करोगे, और ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे कोई ये इसको ले रहा है उसको ले रहा है, कोई भी कुछ नहीं है सर, जो जितना अच्छा करेगा उसको लेंगे, ये भ्रम हटा दो कि इसको ले रहा है उसको ले रहा है, लड़कियों के बाहर किया उनने, क्योंकि जो अच्छा किएगा, और वहाँ पे ये तो तुमको एक ही चीज बनानी है, सारी चीज नहीं बनानी है क्या, जिसका भी नंबर आया ना उसको एक ही चीज बनानी है, वो बोल देंगे रोटी बनानी है, रोटी पराठा बनाए पराठा, चार चीजें स्पेशल, ऐसा सर। ओके मतलब सर। चार चीजें अनिवार्य है वहां पे, पराठा रोटी इसके बाद में तो ये आमलेट अपना, ऐसे सर। हाँ चार चीजें ज्यादा बनवा रहा था, और एक सब्जी सर, तो सब सब्जी में क्या करना है अपने को, अब हाँ जैसे कि वो बोलते हैं 3 या 4 जरूरी है काट के बनाना, 3-4 सब्जी एक साथ मेरा काट के दिखाना है सर। हाँ काट के दिखाना भी और उसको बनाना भी, उसके लिए टाइम आपको 8 मिनट मिलते हैं ऐसे सर। क्या। हाँ सर उसमें क्या आप। है, बहुत बच्चे बाहर हुए सर, हाँ सर आप हमारे अपने। जो हाँ बाज वाली बेच थी ना सर। उसमें जो मेरा एक दोस्त था, मेरा फ्रेंड, हम साथ में गए थे, तो हाँ उसको क्या उसमें मतलब मुश्किल से पास होता है कि आलू बच्चे रख देते हैं, कोई क्या कर देता है, कोई कटिंग में, कोई बड़ा कोई छोटा, मतलब साइज सेम होना चाहिए, और 3 से 4 सब्जी आराम से कट जाती है सर, 8 मिनट बहुत होते हैं, वहां पे भट्टी बड़ी है क्या, और सर मेरा एक बताता हूँ, हमारे साथ गया हाँ और सर। मैं एक को आटा मेकिंग दिया, आटा मेकिंग दिया। उसने आटा बनाना भी देते सर वहाँ, तो ऐसे सर। वहां भी क्या किया उसने, आटे में पानी इतना डाल दिया कि वो गीला कर दिया, तो हाँ वो सर। वहीं से बाहर, और जो वो बेस अपने घर वाले देती है बड़ी बड़ी भट्टी देती है, और हाँ तवा भी वहां का बड़ा रहता है, तो हाँ वो बड़ी भट्टी देती है, बड़ा सब कुछ रहता है, तो हाँ उसको अपने को ध्यान से चलाना, और लाइटर भी बहुत बड़ा रहता है। अच्छा सर। हाँ सर आप अपने भाइयों से कुछ ऐसा कहिए जैसे सर वो मोटिवेट हो सर। जी सर, मैं तो ये कहना चाहता हूँ उनसे कि अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस दो, और हमें खूब मिलता है, अगर तुम घबरा गए जल्दबाजी करने में ही बाहर हो रहा है सर वहाँ पे, क्योंकि आता तो सबको अधिकतर, ऐसा सर। हाँ जी भी सबको सही एक्सपीरियंस है, सब आता सभी को। बना लेते हैं सब कुछ, पर ये अपन जल्दबाजी करते हैं ना, तो हाँ उनका काम यही है वहां से निकालना, टोटल काम उनका ये है कि वहां से चटनी करना सर, ऐसे आज सर। पोस्ट कम है और बच्चे ज्यादा को ले लिए उनने, हाँ सर। तो इसलिए तो आप धीरे धीरे करो, मतलब तो क्या मतलब पहले तो अपने को सारे नजर रहती है, वहां पे 5 ऑफिसर रहते हैं सर अपने को देखने वाले क्या, अच्छा सर। तो 5 ऑफिसर उसमें है। से अपने अच्छा को हाँ सर। 4 से 5 तो अपने आगे तेजी में जो बड़े बड़े रहते हैं वहां पे DIG है, जिसके बाद अपने को भेजा जाता है ना अपना अच्छा बना, तो वो अपने को देखने आते हैं, तो यस सर। इसलिए मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अपना अच्छे से अच्छा, और सफाई का जरूर ध्यान रखना, विशेष अगर तुम सब्जी की कटिंग करो तो आलू छील के ही करना, वरना ऐसे बाहर कर देंगे तो सफाई से। अच्छा आलू छील के नहीं किया तो बाहर हो जाओगे।
आलू छील के और प्याज भी तुम बिल्कुल छील के बिल्कुल एक ही साइज में काटने की कोशिश करो अधिकतर। और जैसे कि आलू भी तुम सब्जी बनाओ तो उसको फ्राई करके बनाओ तो ज्यादा अच्छा है। मेरा दोस्त उसमें मतलब बात हुआ, वो फ्राई करके बनाया था तो उसका जल्दी पक गया, मतलब आलू हाँ सर ये है जल्दी पक जाता है ना, तो बार क्योंकि वो टाइम एक ही रहता सबके लिए, सबसे सबका बोल रहे फिर बंद करो। हाँ सर, तो फ्राई करके करोगे और तो जल्दी तुम्हारा आलू पक जाएगा, तो वहाँ पे तुम पास हो जाओ। जो टेस्ट करते हैं फिर बाद में, जैसे कि हमने पराठा दिया था ना बना के, हाँ सर, तो फिर वो पराठा हमारा वही रख लिया था, तो फिर जिससे बाद में सब्जी वाले आए थे, हाँ तो हमारा सब्जी से हम सब्जी टेस्ट करते हैं कितना अच्छा गया या इसके टोटल आलू पके नहीं है ऐसे सर। हाँ सर, डॉक्यूमेंट का जरूर विशेष ध्यान रख के ले जाना, अगर तुम क्वालिफाई हुआ तो फिर वापस जाना पड़ेगा इतने दूर, इसलिए बोल रहा हूँ सर। हाँ, बहुत 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 धन्यवाद सर, आपने अपना जो कीमती समय अपने भाइयों के लिए निकाला है सर। सर इसका सर जो है वीडियो सर आपको 30 मिनट से सर हमारे MCG एकेडमी RP अपडेट टेस्ट नाम से चैनल बनाया है सर, उस पर मिलने वाला है सर आपको। जी सर, थैंक यू। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।